हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सिर्फ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड इमोशनल लॉस। और देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड या तो कोई गेन, कोई फ़ायदा आपको किसी लेवल पे हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं। कैसे फाइनेंशियली चीज़ों को आप और बेटर करें, कैसे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप लेकर आएँ, अगेन उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आ भी रही है। और देखिए, किंग टैरो में कहीं मेल या फिर मैस्कुलिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कोई मेल फिगर हैं, और ये मेल फिगर भी सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए ब्रदर हो सकते हैं, कुछ के लिए फादर हो सकते हैं, कुछ के लिए स्पाउस, कोलीग, फ्रेंड या फिर कोई भी हो सकते हैं जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। और देखिए, सपोर्ट भी सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक सपोर्ट ज़्यादा आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज होने के बावजूद भी कहीं डीपर लेवल के लिए इमोशनल लॉस का कार्ड कहता है कि आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं आप किसी चीज़ को लेकर उदास हो रहे हैं, कहीं आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कहीं इमोशनल लॉस का कार्ड कहता है कि पीछे आपसे या फिर किसी से भी कोई मिस्टेक हुई, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए मन ही मन आप परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज में शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, और जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनसे लर्निंग लेकर, उनसे लेसन लेकर करंट लाइफ में उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा आप करेंगे तो आप इस वीक की एनर्जीज को बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड्स एंड शैडो के कार्ड्स हैं। और देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी तरीके के चैलेंजेस, किसी तरीके के इश्यूज इस वीक रहने की बात करता है। और कहीं देखिए, इन्हीं इश्यूज, इन्हीं चैलेंजेस को बहुत ही लॉजिकली आप डील करते हुए दिख रहे हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट भी रखते हुए दिख रहे हैं। और पीछे इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कोई कंफ्यूजन थी तो एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं, या फिर एक क्लैरिटी आ रही है और आप बहुत इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं। हो सकता है पीछे चीज़ों को लेकर आप बहुत इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए, बहुत एक अटैचमेंट आपने महसूस करी, तो इस वीक लिटरली आप अपने आप को कह सकते हैं कि बस अब बहुत हो गया, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं। आप एक डिटैचमेंट के साथ ही हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए इतना स्ट्रांगली हर चीज़ को डील करने के बावजूद डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे सेजिटेरियस में आपको यही कहूँगी कि जो भी फियर्स, जो भी इनसिक्योरिटीज हमारी लाइफ में होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की एक क्रिएशन होती हैं,
और जब हम इन्हीं फियर्स और इनसिक्योरिटीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो कहीं इन्हीं में ही हम गुम होके रह जाते हैं और हमें इस चीज का एहसास ही नहीं होता है कि ये सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है, ये सिर्फ हमारे माइंड की क्रिएशन है। और देखिए, थोड़ा सा भी हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं और हम रियलाइज करते हैं कि कितने सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं, इनको क्वेश्चन करते हैं, तो इन एनर्जीज में से बहुत आसानी से हम बाहर निकल पाते हैं, एक क्लैरिटी हम अपनी लाइफ में ला पाते हैं। और देखिए, कुछ ऐसा ही इस वीक करने की जरूरत है। अगर डीपर लेवल पे किसी भी तरीके का फियर, किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी आप इस वीक महसूस करें, एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको आप लेट गो करें, जो चीज़ें आपको सर्व कर रही हैं उनको आप परस्यू करें और लोगों के साथ अपना बॉन्ड कैसे आप स्ट्रेंथन करें, कैसे बेटर करें, उसके ऊपर भी आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।